हमारी हालत को तो आप सब देख ही सकते हो, बोला भी नहीं जा रहा है मेरे भाई। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं लाडला बाबा श्याम गार्ज। आज हम आए वीर हनुमान जी के मंदिर। अरावली की चोटी पर स्थित ये मंदिर राजस्थान में जयपुर जिले के छोटे से गांव सामोद में स्थित है। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें यहां से दो रास्ते दिखाई देते हैं। यह एक रास्ता जो पहाड़ को काटकर बनाया गया है तथा यह दूसरा रास्ता सीढ़ियों वाला रास्ता है जो हमें मंदिर तक लेके जाता है। वीर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अभी हमें काफ़ी ऊंची चढ़ाई करनी है, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हो वीर हनुमान जी का ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है। आप जहाँ तक देखोगे आपको सिर्फ अरावली पर्वत ही दिखाई देगा। हमने मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों वाला रास्ता चुना है, आप पहाड़ वाला रास्ता भी चुन सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दोस्तों अभी तक तो हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे और अभी से थक गए। दोस्तों आप देख सकते हो हमें वीर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अभी काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ाई करनी है। आप कमेंट में जय श्री राम तो लिख ही दीजिए, हम आपके भी दर्शन करवाएंगे वीर हनुमान जी के। आप वीडियो में बने रहिए। ओ भाई गाड़ियों को तो देखो कीड़े मकोड़ों की जैसे लग रही है, और अभी तक तो हम आधे रास्ते में, ऊपर पहुँचेंगे तब तो पता नहीं दिखाई देगी भी या नहीं। आप इस अरावली पर्वत को देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जय श्री राम दोस्तों, काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं हम। ओ भाई गाड़ियों को तो देखो खिलौनों की जैसे लग रही है, हमारी हालत को तो आप सब देख ही सकते हो, बोला भी नहीं जा रहा है मेरे भाई। बस कुछ देर और फिर आपके और हमारे हम दोनों के दर्शन होंगे, आप वीडियो में बने रहिए। जय हो बजरंगबली। दोस्तों आखिरकार मैं पहुँच चुका हूँ सबसे पहले। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। अभी हमें बजरंगबली जी के दर्शन करने के लिए थोड़ी बहुत चढ़ाई और करनी पड़ेगी, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों यह है अरावली पर्वत और यह है सीढ़ियाँ। यहाँ से अभी हम आए हैं, सबसे आगे आ रहा है छोटा सा बाबू वंश जो बहुत जोश में है। बोल बालाजी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। राम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा। जय श्री राम दोस्तों, जैसे ही आप ऊपर तक पहुंचेंगे आपको ये गेट दिखाई देगा। गेट के ऊपर बजरंगबली जी की मूर्ति लगी हुई है। इन सीढ़ियों का निर्माण किसने करवाया उनके बारे में लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ी बहुत चढ़ाई और करनी है हमें। जय श्री राम। दोस्तों गेट से सीधा ऊपर आने के बाद अब हमें यहाँ पे प्रसाद की शॉप दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी प्रसाद, जय श्री राम भैया की कितनी सारी प्रसाद की शॉप है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। अरावली की चोटी पर स्थित है ये मंदिर। लगभग 1100 सीढ़ियाँ तक की चढ़ाई अभी हमने कर ली है और आगे अभी हमें पता नहीं। आप देख सकते हैं भाई बहुत ऊपर तक आ चुके हैं। वो भाई गाड़ी को देखो एकदम खिलौनों की जैसे दिख रही है। वो भाई गाड़ी आई है क्या आई है, सब बहुत ऊपर तक आ चुके हैं हम। चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं, दर्शन करते हैं। जय हो बजरंगबली। दोस्तों वीडियो में दिख रहे गेट से अंदर आने के बाद अब हम यहाँ पर पहुंचे। ये परिक्रमा मार्ग है, पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद हमें मंदिर में एंट्री मिलती है। आप देख सकते हैं अरावली की चोटी पर स्थित यह मंदिर चारों ओर से अरावली के पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो काफी सुंदर नजारा यहाँ से दिख रहा है उसका। उठो उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, सागर पार जाना है, सागर पार। दोस्तों काफी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज लगी हुई है जो शायद नीचे से ऊपर तक सामान लाने के काम में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हम परिक्रमा मार्ग में ही है, लाइन में ही है। बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्तों की भीड़ है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस कुछ देर और फिर आपके और हमारे हम दोनों के दर्शन होने वाले हैं।
जय श्री राम दोस्तों, पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है जय श्री राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ है। चलिए अब हम अंदर चल के दर्शन कर लेते हैं बजरंग बली जी के। आप भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट, शेयर, लाइक सब कुछ कर दीजिए। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपता पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी